नियम है जिस तरह से ड्रिंक्स की टोली 3 ओवर के बाद मैदान पर जाएगी, अगर इसी बीच खिलाड़ी को पानी की आवश्यकता है तो वो कमिटी से यहाँ मांग कर सकते हैं, पर बीच में कोई खिलाड़ी नहीं जाएगा। इस बार यहाँ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला केयूर और चिराग, ये कप्तान टीम के चिराग बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, अपना घरेलू क्रिकेट गुलवर से खेलते हैं, उनके साथ है केयूर, केयूर जो के दुंगर फलिया। और यहाँ पहली ओवर की जिम्मेदारी हरनेश, पिछले साल रुचित वॉरियर्स के उपकप्तान थे। पहला मुकाबला चैंपियंस इलेवन वर्सेस डीएफ लायंस के बीच 60 रनों का लक्ष्य था, 10 रनों से हारी डीएफ लायंस। ये दूसरा मुकाबला दोनों पिछले साल की प्लेऑफ्स की टीम केवरी सुपर किंग्स वर्सेस डायमंड टाइगर्स, टॉस जीता केवरी सुपर किंग्स ने लिया फैसला गेंदबाजी का। पहली गेंद इस ओवर की इस पारी की फुल टॉस थी, जिनको हल्के से सम्मान दिया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। बड़े कमाल की गेंदबाजी हुई यहाँ पर, थोड़े से अगली गेंद लेकर फुल टॉस बनाकर खेला, फील्डर है और यहाँ आउट, निहल कामली जो कि मिड विकेट के क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे, पहली दो गेंद का जो दबाव था झेल नहीं पाए, बड़े शॉट के प्रयास में जहां था फील्डर वहीं खेल दिए और शून्य का चश्मा पहनकर वापस बैक टू द डगआउट। यहां पर बिना खाता खुले डायमंड टाइगर्स को लग चुका है एक झटका। और इसी बीच नंबर 3 की मुख्य भूमिका पर प्रफुल्ल कामली, प्रफुल्ल नंबर 3 की मुख्य भूमिका पर शुरुआती 3 गेंद जहां पर 0-0 विकेट, चौथी गेंद लेकर इस पहली ओवर की टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला केवड़ी सुपर किंग्स। और यहां पर लोअर फुल टॉस गेंद थी, हल्की हाथों से गेंदबाज के बिल्कुल पास खेल दिया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, केवड़ी सुपर किंग्स ने टॉस जीता और गेंदबाज बिल्कुल कप्तान के फैसले पर खड़े उतरे हैं। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी भी बीच में हुई पर वहां पर भी जवाब नहीं दे पाए, कोई रन नहीं, विकेट 1 के नुकसान पर। फुल टॉस बनाकर खेला, इस बार काउ कॉर्नर का क्षेत्र पुकार रही थी बाउंड्री को और चली गई गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक टप्पा खाने के बाद 4 रन बाजुए खोलने का मौका जड़ दिया, एक कमाल का चौका और इसी चौके के साथ इस पारी को बाउंड्री मिली है, वेलकम बाउंड्री टीम डायमंड टाइगर्स। और यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यॉर्कर। इस ओवर की आखिरी गेंद पर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर केवरी सुपर किंग्स टॉस जीतकर लिया फैसला पहले गेंदबाजी करने का और यहां कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरे उनके प्रारंभिक गेंदबाज हरनेश। 1 ओवर रन 4 2 विकेट के नुकसान पर यहां डायमंड टाइगर्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में।
और इसी बीच अगले बल्लेबाज रेनिस कामली एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर है टीम डायमंड टाइगर्स के। अपना घरेलू क्रिकेट खटलवाला वेलोसिटी के साथ खेलते हैं। यहाँ मौका मिला है नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने का रेनिस कामली के लिए। टॉस जीता केवरी सुपर किंग्स ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय और गेंदबाजी करते हुए उनके गेंदबाज हरनेश ने बड़े कमाल की गेंदबाजी की। पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए, 2 सफलता हासिल की और यहां दूसरे ओवर की जिम्मेदारी टीम के युवा गेंदबाज जैनिस कामली को सौंपी गई है। जैनिस कामली जो अपना घरेलू क्रिकेट डेहरी कामरवार की ओर से खेलते हैं। इसी बीच पहला शॉट कप्तान का और क्या दर्शनीय उम्दा मिडल ऑफ द बैट पॉइंट और कवर के बिल्कुल ऊपर से किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, बाजुए खोलने का मौका, एक और जड़ दिया चौका। इसी चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 8। और आज के दिन के पहले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच प्लीज कमेंट स्टेज आर्यन कामली। चिराग कामली जो कि कप्तान है डायमंड टाइगर्स के और कप्तान इन्होंने गोल्वर के लिए भी की है और इस प्रतियोगिता में इनका दबदबा भी रहा है। अच्छे ऑलराउंडर उनके नेतृत्व में खेलने का मौका यहां पर अच्छी तरह से पहले ओवर में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था। यहां 2 गेंदें खेली, 5 रन बनाकर स्ट्राइक रोटेट की, आगे बढ़ता हुआ स्कोर टीम का जा पहुंचा है 9 रन। 2 चौके के बाद एक सिंगल चुराया, पहली ओवर में एक चौका मिला था जहां 2 विकेट गवाई थी। इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ, फिर 1 रन। तो पावर प्ले की आने वाली 4 गेंदों का खेल अनिशेष है। आज के दिन का अगला मुकाबला जिस तरह से होगा रुचित वॉरियर्स वर्सेस साई युग। एक के साथ स्कोर 2 अंकों में आगे पहुंचता हुआ 10 रन, 4-1-1 इस ओवर का समीकरण। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है केवरी सुपर किंग्स बनाम डायमंड टाइगर्स, इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला। और इसी बीच थोड़ी सी हड़बड़ा, आप क्या मौका मिलेगा नहीं, यहाँ करीबी मामला था, यहाँ रिस्क उठाया था और अगर सीधा डायरेक्ट हिट अगर लगती तो शायद मौका बन सकता था। इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। बीच 2 रन, 4-1-1-1-2 आखिरी गेंद आनी शेष, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। यह पहली पारी का खेल डायमंड टाइगर्स तो हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए, शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही थी पर यहां रन आए हैं और यहां बिल्कुल पैरों से टकराई, शरीर से टकराई, बड़े शॉट का प्रयास था, घुटना टेक कर खेलना चाहते थे, कोई रन नहीं। इसी के साथ यह ओवर पूरा हुआ, इस ओवर से आए 9 रन, पहली ओवर से आए थे 4, खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 13, विकेट 2 के नुकसान पर। तो हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए डायमंड टाइगर्स वर्सेज केवड़ी सुपर किंग्स, पिछले साल की प्ले ऑफ। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला रुचित वॉरियर्स वर्सेस साई युग, इन दोनों टीमों के बीच इस पहली पारी के बाद दोनों टीम का टॉस हो जाएगा। तो दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि
6 ओवर के खेल के समाप्ति से पहले आप यहां पर कमेंट्री बॉक्स के पास आए, प्लेइंग 11 का लिस्ट तैयार करके रुचित वॉरियर्स वर्सेस साई युग इन दोनों टीमों के कप्तान, इस पहली पारी के बाद आप दोनों टीमों के बीच टॉस होगा। और यहां एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी हरनेस कामली को सौंपी गई है, जिन्होंने अपना पहले ओवर में 4 रन लेकर 2 विकेट हासिल की थी। यहां स्ट्राइक पर चिराग और यहां पर आउट ऑफ द पिच, ये देखिए 9 बॉल, अंपायर दीपेश राणा का इशारा। आउट ऑफ द पिच, फ्री हिट। बल्लेबाज चिराग, जिनको मौका है फ्री हिट खेलने का, इसी एक के साथ जो 13 का अंक था वहां 14 हुए, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर वही बल्लेबाज थे, फील्ड पोजीशन चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, फ्री हिट के मौके पर ये अवसर आपको नहीं मिलेगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण मुकाबला, फ्री हिट का मौका और यहाँ अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास। ये देखिए, ये मौका बना था, फील्डर को हटकर वापस लाया और उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग भी की, पर गेंदबाज अगर इनकी बात की जाए, हर्निस ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित जरूर किया, पर जब थ्रो पकड़ने की बारी आई वहां वो पकड़ नहीं पाए। चिराग जैसे बल्लेबाज को यहां मौका मिला, चिराग कप्तान है टीम के, जिस तरह से वो पारी खेलते हैं, यहां 2 रन चुराने का मौका था, जहां पर कोई रन नहीं था वहां चुराए 2। आंखों ही आंखों में दोनों बल्लेबाजों का इशारा हुआ और यहां 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर टीम का 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हम है कामली प्रीमियर लीग के 3rd सीजन में, दर्शनम कप इस टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सर, और यहां हल्के हाथों से पुश करना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र की तरफ। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की गई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। चिराग एक लंबी पारी खेलना जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से टीम की आवश्यकता है, 2 विकेट शुरुआती ओवर में चली गई थी, और दूसरी छोर अगर देखा जाए तो केवरी सुपर किंग्स, जिनके पास बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, रन चेस करने की क्षमता है, विशाल दादा टीम के कप्तान फिलहाल विकेट कीपिंग की भूमिका में। और यहां पर थोड़ा सा फंसाया हवा में गेंद, नो मैन्स लेन पर पहला रन तेजी के साथ, और यहाँ आंखों ही आंखों में एक बार फिर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन जुड़ाए। विकेट कीपर देखते रह गए कि ये कैच की मांग कर रहे थे, पर यहाँ फील्डर से थोड़ी सी दूर 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का महत्वपूर्ण 3rd ओवर, 3 गेंदें अभी भी आनी शेष। चिराग और रेनिस इन दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनप रही है, 4 गेंदों में 5 रन बनाकर रेनिस बल्लेबाजी कर रहे, तो 6 गेंदों में 9 के साथ कप्तानी पारी खेलने का पूरा प्रयास चिराग कामली करते हुए। हरनेस अगली गेंद लेकर अपने कोठे की दूसरी टीम की 3rd ओवर, और यहां एक बार फिर हवा में गेंद है, फील्डर वहां मौजूद शॉट फाइन लेके, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। रेनिस एक महत्वपूर्ण पारी खेलने का प्रयास करना चाहते थे, यहां आउट हुए, और यहां पर इस विकेट के साथ 3rd विकेट। धनेश जिन्होंने कोई गलती नहीं की और आउट, और अब रेनिस की जगह पर अगले बल्लेबाज नैतिक कामली, नैतिक जो कि अपना घरेलू क्रिकेट देहरी की ओर से खेलते हैं, देहरी की ओर से वो सलामी बल्लेबाजी भी ज्यादातर करते हैं, पर यहां मिडल ऑर्डर की जिम्मेदारी 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे नैतिक, एक सफल गेंदबाज इस प्रतियोगिता के इस मुकाबले के। हरनेस जिन्होंने अब तक 3 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, और यहां पर सलाह मशवरा करते हुए कप्तान खुद विकेट कीपिंग की भूमिका में।
अगला मुकाबला रुचित वॉरियर्स वर्सेस सांयुग इन दोनों टीमों के बीच होगा। दोनों टीमों के कप्तान इस पहली पारी की पूरी होने पर टॉस के लिए आए। 19 रन फिलहाल स्कोरबोर्ड पर नजर, और यहां आते संगी बड़े शॉट का प्रयास। एक अच्छा ताकतवर शॉट जरूर था पर फील्डर मौजूद था वहां पर लॉन्ग रन का, एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट अपना खुद का निजी स्कोर यहां शुरू हुआ। टीम का स्कोर को पहुंचाया 20 रन। एक छोर से नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज थे चिराग प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे वो अभी भी सुरक्षित खेल रहे हैं। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर, डायमंड टाइगर्स फिलहाल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केवड़ी सुपर किंग्स के खिलाफ कामरी प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन के पहले दिन दूसरे मुकाबले में दोनों टीमें खेल रही है। और यहां पर हल्का सा पुश किया और इसी के साथ यह एक रन चुराया। एक के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल यहां पर 3 ओवर का समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए डायमंड टाइगर्स 7 रन प्रति रन रेट की औसत से एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी जेनिस कामली को सौंपी गई है। लगातार दूसरी बार इनको मौका मिला है। दोनों प्रारंभिक गेंदबाज है, उनको एक के बाद एक दोबारा गेंदबाजी करने का मौका दिया गया। 3 ओवर के बाद 21 रन विकेट 2 के नुकसान पर। और यहाँ पर एक सुरक्षित पारी खेलने का पूरा प्रयास, और यहाँ पर सिंगल के बाद थोड़ी सी मिसफील्डिंग, फील्डर थोड़ी सी गफलत करते हुए जिसका पूरा फायदा उठाया। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23। चिराग एक बहुत ही मूल्यवान पारी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए फोटो क्लिक, यहाँ फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं था क्योंकि यहाँ एक दर्शनीय शॉट जिसको अपने अंदाज से खेला, स्वीप रिवर्स स्वीप के रूप में जिस तरह से ये शॉट खेला गया, एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ ऑफसाइड की तरफ जड़ में डालने का प्रयास था। इस चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 27। एक बहुत ही कमाल की पारी, कप्तानी पारी खेलते हुए चिराग, इनका विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण। और जिस तरह से ये पारी खेल रहे हैं, एक और
फील्डर थोड़े से चूके, जिसका फायदा मिला फील्डिंग बल्लेबाजी कर रही टीम को। 27 के बाद यहां 31 रन, जिस तरह से चिराग खेल रहे हैं, 10 गेंदों में 20 की मूल्यवान पारी, 3 चौके पारी में शामिल, 10 गेंदों में 20 रन 3 चौके के साथ कप्तान यहां पर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। और यहां पर थोड़ा सा बाहर रखा, घुटना टेक कर एक बड़े शॉट की तलाश में जरूर थे बल्लेबाज, चिराग पर चूके, सीधी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर थी, विकेट कीपर के पास जाती हुई, 2-4-4 के बाद डॉट। ये पारी का महत्वपूर्ण चौथा ओवर, आखिरी दो ओवर दो नए गेंदबाज लेकर आएंगे। और ये एक और कमाल का शॉट, महत्वपूर्ण चौका, और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 35 रन 35। जिस तरह से चिराग बल्लेबाजी कर रहे हैं, कप्तान है खुद जानते हैं, शुरुआती पावर प्ले में ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, पहली ओवर तो वो नॉन स्ट्राइक एंड पर ही थे, पर जब भी मौके मिले उनको तो उन्होंने अपनी पारी में बेहतरीन चौके लगाए, अपनी टीम को एक संतुलित जगह पर अच्छी स्थिति में लाने का पूरा प्रयास करते हुए 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का महत्वपूर्ण चौथा ओवर आखिरी गेंद लेकर, आखिरी दो ओवर दो नए गेंदबाज लेकर आएंगे केवड़ी सुपर किंग्स के लिए। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण, ये देखिए क्या कमाल के शॉट सिलेक्शन किए गए, इस ओवर में कुल मिलाकर 4 चौके देखने को मिले हैं। जिस तरह से आप मिठाई की दुकान पर चले जाओ और वहां पर काजू कतरी, मोटी चूर के लड्डू, बर्फी, अलग अलग वेराइटीज रहती है, उसी तरह से बल्लेबाज चिराग यहां पर रनों की शॉपिंग करते हुए मैदान की अलग अलग क्षेत्र पर चौके लगाए 4-6 गेंदों में, और यहां टीम को स्कोर को पहुंचाया 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 39 रन 39, करीबन 9.75 की औसत से, 10 के करीब की औसत से यहां अब डायमंड टाइगर्स एक अच्छी स्थिति में आती हुई, टॉस जरूर हारी थी पर यहां 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 39 रन विकेट 3 के नुकसान पर। पिछली ओवर से कहीं ना कहीं 4 चौके आए, फिर एक दुग्गा आया और एक डॉट बॉल रही थी, तो यहां 18 रन पिछली ओवर से आए, जेनिस थोड़े से महंगे साबित हुए। और यहां पर गेंदबाजी लेकर हेट कामली, जो कि अपना घरेलू क्रिकेट खटल वाला वेलोसिटी, एक ऑलराउंडर, टीम के कप्तान विशाल दादा ने उनको मौका मिला है गेंदबाजी करने का, लंबे कट के खिलाड़ी। पहली 4 ओवर डायमंड टाइगर्स तो हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 रन विकेट 3 के नुकसान पर, आने वाली दो ओवर दो नए गेंदबाज लेकर आएंगे, यहां लेकर आया है 5वां ओवर हेट कामली, युवा गेंदबाज है। और इसी बीच हेट इस 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर, और अच्छा खासा नियंत्रण टप्पा खाकर हल्की सी बाहर निकली, बल्लेबाज खड़े खड़े बड़े शॉट की तलाश में थे, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। एक और अच्छा मिश्रण बल्लेबाज के लिए समस्या खड़ी करते हुए, क्योंकि जिस तरह से दो गेंदें हुई है जिसका जवाब बल्लेबाज के पास नहीं था, डॉट बॉल 4 ओवर में 39 के बाद यहां 2 डॉट बॉल मिले, ये पारी का महत्वपूर्ण 5वां ओवर, अपना पहला टीम का 5वां ओवर लेकर हेट कामली, 2 गेंदें डॉट निकालने के बाद तीसरी गेंद लेकर, इस बार गेंद को जांचा परखा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऊंची भी और दूर भी ये हवाई यात्रा करते हुए गेंद को उड़ाया, मैदान के बाहर बगाया, छक्का लगाया, इसी 6 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45-45। 3 गेंद हुई है, पहली 2 गेंद जहां पर बल्लेबाज को शांत रखा, यहां बाजुए खोलने का मौका था और छोटे कट के बल्लेबाज जरूर है नैतिक, पर जिस तरह से गेंद को जांच कर खेला है 6 रनों के लिए, इस बार गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस,
धीमी गति से डॉट बॉल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। यहाँ तीन गेंदे डॉट निकली है, एक गेंद पर 6 रन आए हैं, 45 रन 45। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, चेंज ऑफ पेस और हल्की सी बाहर निकली। बिल्कुल सही फैसला अंपायर दीपेश राणा की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और एक और अच्छी गेंद, बल्लेबाज के लिए बिल्कुल समस्या खड़ी की है। यहाँ 7 रन जरूर आए हैं, पर जिस तरह से आए हैं, एक गेंद जो मात्र बल्ले से लगी थी, जहाँ पर 6 आए थे, उसके बाद कोई भी गेंद ऐसी नहीं हो कि जो बल्ले पर लगी हो। आखिरी गेंद आने की शेष, आखिरी गेंद लेकर इस महत्वपूर्ण 5वें ओवर की। और यहाँ पर बड़े कमाल की गेंदबाजी की गई हेड के द्वारा। इस ओवर से मात्र 7 रन आए, जहां पर बल्ले से लगी थी मात्र एक गेंदे 5 गेंदे डॉट रही, एक वाइड के रूप में अतिरिक्त रन जुड़ा। खेल 5 का समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 46 रन 46 विकेट 3 के नुकसान पर टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए डायमंड टाइगर्स। टॉस जीता था केवड़ी सुपर किंग्स ने, इसका फैसला था पहले गेंदबाजी करने का। बड़े टॉस की गतिविधि के लिए, ताकि जो पहली इनिंग्स का ब्रेक रहे वहां पर टॉस की गतिविधि पूर्ण की जा सके। नौ बॉल पिछली गेंद, जहां पर बल्लेबाज को मौका मिला है। यहां देखना होगा, अतिरिक्त एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 47 3 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट, और यहां पर सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाया पहला रन तेजी के साथ। और यहां पर दूसरे रन की मांग, कहीं ना कहीं गलती हुई। ये विकेट यहां पर टॉफे के रूप में मिला है, क्योंकि जिस तरह से यहां चिराग बल्लेबाजी कर रहे थे, या तो नैतिक को वहीं पर खड़े रहना था, या फिर दोनों के बीच तालमेल की कमी रही, जिसका पूरा फायदा यहां पर फील्डिंग कर रही टीम केवड़ी सुपर किंग्स ने उठाया। 48 सांयुग के कप्तान
और रुचित वॉरियर्स के कप्तान आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ नियम बनाना बहुत ज़रूरी। ये पहली इनिंग्स का जो ब्रेक रहेगा वहीं पर टॉस किया जाएगा। संयुक्त के कप्तान आगे बढ़ रहे हैं तो रुचित वॉरियर्स के कप्तान से निवेदन है कि आप भी आगे बढ़े, क्योंकि यह आखिरी ओवर चल रहा है पहली पारी का। अगले बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बल्लेबाज ट्रिंकल। उमरगांव बालापुर लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी, टीम को आवश्यकता है रनों की। और देखिए इस बल्लेबाज की हम बात कर रहे थे, लंबे कट के हरे भरे हैं और उन्होंने आते संगी 6 के साथ शुरुआत की। इस तरह के बल्लेबाज को छुपा के रखा था आखिरी ओवर के लिए और इस 6 के साथ छलांग लगा था। स्कोर 54-54। ये देखिए जिस तरह से ये शॉट खेला गया पावरफुल। और इसी बीच यहां पर जब बल्ला था तब सीधा थ्रो लगा, यानी कि नॉट आउट। 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी का खेल बहुत ही महत्वपूर्ण। 3 गेंदों का खेल बाकी है। एक तरफ है नैतिक 7 में 7 बनाकर, दूसरी तरफ दो में 7 के 7 ट्रिंकल। यहां पर जैनिस ने कोई गलती नहीं की, यहां पारी का अंत हुआ नैतिक 8 गेंदों में 7 बनाकर आउट। एक महत्वपूर्ण छक्का जड़ा था, बीच में थोड़ी से परेशान भी हुए थे। 2 गेंद इस पहली पारी की आने वाली शेष। अगले बल्लेबाज आए हैं विवेक का। देखिए अब टीम को आवश्यकता है विवेक रखने की नहीं, यहाँ तूफानी पारी खेलनी पड़ेगी। लंबे कद के ये भी है, अपना परिचय किस तरह से देखना होगा कैसे देते हैं। 2 गेंद 55-5 विकेट के नुकसान पर ये यहाँ फुलटोस, और इन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया, क्योंकि साथी बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे जिन्होंने ट्रिंकल पहली गेंद पर 6 के 7 शुरुआत की थी। 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर पारी की आखिरी गेंद लेकर डायमंड टाइगर्स बनाम केवड़ी सुपर किंग्स, पिछले साल की प्लेऑफ टीम यहां आमने सामने। टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला, रन चेस करने की क्षमता सुपर किंग्स केवड़ी सुपर किंग्स ने दिखाया, और डायमंड टाइगर 56 रन आखिरी गेंद, पहले मुकाबले में 59 हुए थे ये दूसरा। और यहां काव कॉर्नर का क्षेत्र, फील्डर है नेहल, पहला रन छुड़ाया दूसरे की मांग, एक रन आउट। 57 हुए, जीत के लिए 58 का लक्ष्य। अब होगा टॉस। ट्रिंकल एक रन आउट पर 57 हुए, 58 का लक्ष्य। और कैमरामैन ध्यान दीजिए, अब होगा टॉस। सिक्के को हवा में उछालने का वक्त आ गया है। रुचित वॉरियर्स वर्सेस सांयुग। और इसी बीच तुषार कामली, हम है कामड़ी प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में, जहां पर
यह महत्वपूर्ण तीसरा मुकाबला संयुग वर्सेस रुचित वॉरियर्स। पीछा करने दो धाकड़ बल्लेबाज, दो प्रारंभिक, एक तरफ विशाल तो दूसरी तरफ उनके साथ धनेश। गेंदबाजी लेकर पहले ओवर की जिम्मेदारी केयूर, केवरी सुपर किंग्स। टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला था, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए डायमंड टाइगर्स ने बनाए 57। अब 58 का पीछा कर रहे हैं। मुख्य अंपायर फिलहाल दीपेश राणा और उनके साथ रमन आहिर। दूसरी पारी की पहली गेंद लेकर केयूर, हल्की सी लोअर फुल टॉस थी, हल्की हाथों से खेली, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर एक रन के साथ यहां खाता खुला केवरी सुपर किंग्स का। कामरे प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन, दर्शनम कप टाइटल स्पॉन्सर, आज का पहला महत्वपूर्ण दिन, दूसरा मुकाबला डायमंड टाइगर्स वर्सेस केवरी सुपर किंग्स के बनाम पिछले साल की दो प्लेऑफ्स। और यहां सही तरह से बल्ले पर खेदन नहीं कर पाए, सफल होकर खेलना चाहते थे, हल्का सा इंप्रूवाइजेशन जरूर किया था। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक एक के साथ शुरुआत की है। यह मुकाबला जीतना दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से हौसला भरना चाहेगी टीम।
और यहाँ फंसाया गया धीमी गति से। बिल्कुल बल्लेबाज को एक निमंत्रण भेजा गया कि आगे बढ़कर खेलो, थोड़ी सी फ्लाइट हेड दी, पर जिस तरह से लंबे कट के बल्लेबाज है विशाल, जिन्होंने थोड़ा सा झुक कर गेंद को सम्मान दिया, दो रन बिना विकेट के नुकसान पर, दो सिंगल के बाद डॉट बॉल आई। और यहाँ बाजुए खोलने का मौका था, काफ़ी बाहर गेंद थी, हल्की सी कटर हुई और इसी के साथ अंपायर दीपेश राणा का इशारा वाइड का, और इसी अतिरिक्त के साथ थोड़ी सी खराब ले क्योंकि पिछली गेंद आपने डॉट निकाली थी, उसके बाद इस तरह से तोहफा दिया गया, तीन रन विशाल दादा और धनेश कामली, यह दो प्रारंभिक बल्लेबाज टीम केवड़ी सुपर किंग्स के। और यहाँ अच्छा खासा नियंत्रण केवड़ी सुपर किंग्स के ऑनर्स की बात की जाए तो गणेश भाई कामली और हितेश भाई कामली चला केवड़ी फलिया, तो दूसरी तरफ डायमंड टाइगर्स जिनके ऑनर महेंद्र भाई कामली रिंगनवाड़ा। व्हाट अ शॉट, इट्स लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द टूर्नामेंट। ये गेंद वापस आने वाली नहीं है, नई गेंद दे दीजिए क्योंकि जिस तरह से यह शॉट गया है बिल्कुल पानी में चली गई। और जिस तरह से यह शॉट सिलेक्शन किया गया था, लंबा छक्का, आप कितनी भी दूर मार लीजिए आपको 6 ही रन मिलेंगे क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट के नियम है। और एक और, रोहित शर्मा ने जरूर कहा था कि थोड़ी सी अगर दूर गेंद जाती है तो वहां पर आपको 8 रन देने चाहिए, पर जिस तरह से ये दो छक्के आए, पहली गेंद दो जहां पर दो सिंगल थे, उसके बाद एक डॉट बॉल मिली, फिर वाइड, फिर डॉट बॉल, फिर आखिरी दो गेंद पर दो छक्के और एक, पहली ओवर का खेल समाप्त, एक ओवर के बाद रन आए 15, एक ओवर 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर, जीत के लिए 58 रनों का पीछा कर रही है, तो तेजी के साथ यहां आगे बढ़ती हुई। इसी बीच अगले गेंदबाज राज कामली, और राज कामली की अगर बात किया है तो वो अपना घरेलू क्रिकेट खटलवाड़ा छेड़ा देव के साथ खेलते हैं राज। इस दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे, पहले ओवर के बाद 15 रन, ये अच्छी गेंद थी, नियंत्रण था, अगर गेंद की बात किया है थोड़ी सी तेज रही, नीचे रही, बल्लेबाज को बांध के रखा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। अगली गेंद लेकर राज छोटे से रन के साथ, यहाँ यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट क्लीन बोल्ड, टप्पा खाकर गेंद नीचे रही, बल्लेबाज बड़े शॉट की प्रयास में थे और गेंद सीधी टकराई स्टंप से, आउट। और इसी के साथ यहां पहला विकेट केवड़ी सुपर किंग्स को लगने वाला पहला झटका धनेश के रूप में, और धनेश के स्थान पर अगले बल्लेबाज यहां पर मितेश। मैदान की अगर बात किया तो दमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का यह मैदान लैक्मी 360 ग्राउंड, जहां दर्शनम कप
टाइटल स्पॉन्सर कामरी प्रीमियर लीग का तीसरा पर्व, तीसरा एडिशन चल रहा है। 7 टीमें इस प्रतियोगिता में बनेगा कोई एक चैंपियन। पहली ओवर के बाद 15 का स्कोर था, पहली गेंद इस ओवर की डॉट फिर विकेट। और यहाँ ये देखे, ये पैरों से स्टंपिंग करना चाहते नहीं थे पर हो गई। 15 रन एक विकेट के नुकसान पर दबाव बढ़ाया गया है। पहली ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे साथी गेंदबाज। शुरुआती 4 गेंद जहां पर मात्र 3 रन दे थे पर उसके आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के के साथ 15 रन। और इसी बीच लगातार अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। इस ओवर की अगर बात किया तो 4 गेंदें हुई है, बल्ले से कोई रन नहीं, एक विकेट मिला। अगली गेंद लेकर राज कामली, एक और, यहाँ देखिए ये स्ट्राइक रोटेट की गई है। राज कामली ने पहली 5 गेंदों पर राज किया, क्योंकि जिस तरह से पहली 5 गेंद जहाँ पर मात्र 122 के रूप में रन जुड़ा, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन, 25 गेंदें, 42 रनों की और आवश्यकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, 5 गेंदों में 13 बनाकर विशाल दादा। तो मिटेश यहाँ पिछली 3 गेंदें जहाँ पर कोई जवाब नहीं दे पाए, इस ओवर की अगली गेंद लेकर, आखिरी गेंद लेकर, और यहाँ देखिए सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखना चतुर चालाक बल्लेबाज है, और यहाँ सिंगल के साथ अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे। खेल यहाँ 2 का समाप्त हुआ, 2 ओवर के बाद 17 रन, 2 ओवर 17 रन एक विकेट के नुकसान पर अब आने वाली 24 गेंदों में 41 यानी कि 10.25 की औसत बिल्कुल साफ। यहाँ गेंदबाजी लेकर विवेक आए हैं, लक्की वरकुन की ओर से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ विवेक पूर्ण गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि आवश्यकता है, 10 के ऊपर आप रन बचा रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल या फिर विकेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल दादा, एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है, 6 गेंदों में 14 बनाकर खेल रहे हैं, उनको नहीं दे सकते है इस तरह की गेंद। ये देखिए अच्छा प्रयास किया, 6 रन, और देखिए स्क्वायर लेग अंपायर का इशारा, 9 बॉल का, इट्स हाई फुल टॉस बीमर। तो अगर यहाँ कैच लपक भी लेते तो मौका नहीं बन सकता था क्योंकि ये खराब गेंदें थी। यहाँ 7 रन जुड़े और 7 के साथ ये अच्छी गेंद, ये इस तरह की गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी। लोअर फुल टॉस थी, सही तरह से बल्ले पर आई नहीं, विकेट कीपर के पास थोड़ा सा मौका था इस गेंद को रोकने के लिए, थोड़े से नाखुश अपने प्रदर्शन से। और इसी तरह अगर रन बनेंगे तो यहाँ पहली गेंद जहाँ पर 7 रन जुड़े थे अतिरिक्त के साथ, फिर एक, तो यहाँ मात्र 2 गेंदें हुई है और 2 गेंदों में कुल मिलाकर 9 रन आ चुके हैं, 26 रन एक विकेट के नुकसान पर, पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर। Yeah, you miss. I will definitely hit clean bowled.
ये क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यॉर्कर, शुरुआत आपने थोड़ी सी खराब गेंद थी उसको भूलकर जिस तरह से ये गेंद की है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस गेंद के साथ आपने वापसी की है। इसे बल्लेबाज को चलता किया जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहता है। विशाल दादा यहाँ आउट हुए 3 छक्के लगाकर। और केवड़ी सुपर किंग्स की ओर से टीम के उप कप्तान, कप्तान की विकेट के जाने के बाद उप कप्तान नीलेश कामली केवड़ी सुपर किंग्स के लिए नंबर 4 की महत्वपूर्ण भूमिका में। और क्या खूबसूरत गेंदबाजी की विवेक ने, विवेकपूर्ण यॉर्कर, थोड़े से महंगे साबित होने के बावजूद वो भूल कर पुरानी गेंद थी जहाँ पर मेरी थोड़ी गलती हुई ये स्वीकार कर एक अच्छी गेंद की क्लीन बोल्ड। ये अच्छी वापसी की गई है वाइट साइड यॉर्कर का प्रयास नहीं ठीक वहां मौजूद, जब तक फील्डिंग करके एक टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर को सौंपते तब तक समय था 1 रन चुराने का। 27 दो विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें शेष, खेल 20 गेंदों का बचा है और 20 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता, 20 गेंदें 31 रन। ये नियंत्रण था, पहली गेंद को अगर छोड़ा जाए तो बाकी की सभी गेंद अच्छी की है, पर जब आप पहली बार गेंदबाजी करते हो तो हल्के से वार्म अप की आवश्यकता रहती है, साथी फील्डर जो साथ में रहते हैं उनके पास एक गेंद कर देनी चाहिए क्योंकि वहां पर आपका शरीर हल्की सी खिंचावट मांगता है, वहां पकड़ बनानी बहुत जरूरी थी। पहली गेंद को छोड़कर बाकी की सभी गेंद अच्छी रही। ये देखिए इस तरह से आपके पास अगर हो तो आपको पहली गेंद पर जो गलती थी वो नहीं करनी थी, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में जरूर रन आए पर वापसी भी यही ओवर में हुई है। खेल यहाँ 3 ओवर का समाप्त हुआ, 3 ओवर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर, आने वाली 18 गेंदें जहाँ 31 रनों की आवश्यकता, 10.33 की औसत बिल्कुल साफ। अब देखना होगा ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी, मैदान पर जा रहा है पानी, क्या बदलेगी इस मुकाबले की कहानी जिस तरह से ये खेल हो रहा है। केवड़ी सुपर किंग्स बनाम डायमंड टाइगर्स पिछले साल की 3 ओवर, 3 ओवर के बाद 27 रन 27, आने वाली 3 ओवर में जीत के लिए 31 रनों की आवश्यकता है 10.33 की औसत के साथ। अगला मुकाबला आज के दिन का तीसरा और महत्वपूर्ण, संयुग वर्सेस रुचित वॉरियर्स, इन दोनों टीमों के बीच टॉस जीता संयुग ने फैसला लिया गेंदबाजी करने का, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए रुचित वॉरियर्स को। आज कुल मिलाकर 7 मुकाबले हैं और 6 ओवर के मुकाबले हैं, तो यह टूर्नामेंट कामली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन, दर्शनम कप टाइटल स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के रजनीकांत भाई कामली लगातार तीसरे साल इस प्रतियोगिता को टाइटल स्पॉन्सर करते हुए, मीडिया पार्टनर डीबीएन लाइव लगातार तीसरे साल सीधा प्रसारण। शुरुआती मुकाबला बिक्सी के मैदान पर हुआ था, उसके बाद पिछले 2 साल से लैक्मी 360 नमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इस मैदान पर यहां गेंदबाजी लेकर कप्तान खुद चिराग कामली, जिन्होंने बल्लेबाजी में धैर्यपूर्ण महत्वपूर्ण रन जोड़े थे, गियर चेंज करने के बाद वो रनआउट हुए थे, तो यहां इनका ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपको 4 गेंदबाज इस 6 ओवर के फॉर्मेट में अपनाने होंगे, तो शुरुआती 3 ओवर जहां पर 3 अलग अलग गेंदबाज हो चुके हैं, तो अब इसी के साथ ये चौका मिला, इस पहली गेंद पर बाजुए खोलने का मौका था, चिराग का स्वागत कुछ इस प्रकार हुआ है, 6
सॉरी 4 रन। नैतिक वहां मौजूद, एक चार के बाद आया एक और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 32। 58 रनों का पीछा किया जा रहा है। देखिए इस प्रकार से आपको रन रोकने पड़ेंगे तब जाकर आपकी टीम वापसी कर पाएगी। यहाँ दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी थोड़े से चिंतित है क्योंकि जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है केवरी सुपर किंग्स वर्सेस डायमंड टाइगर्स, दोनों टीम के डगआउट भी फिलहाल थोड़े से शांत है क्योंकि जिस तरह से चिराग 2-3 गेंदों में 6 रन खर्च कर चुके हैं तो दूसरी तरफ नीलेश एक महत्वपूर्ण पारी भी खेल रहे हैं। ये अपील देखिए यहाँ रन लेना चाहते थे साथी बल्लेबाज, शॉट डीएफ लायंस के डगआउट के पास चली गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। और देखिए यहां से रन आए हैं, इस ओवर की अगर बात की जाए तो 4-1-1-0-4 10 रन आए जिस औसत की तलाश कर रही थी टीम केवरी सुपर किंग्स वही औसत के साथ आखिरी गेंद इस महत्वपूर्ण ओवर की। और यहाँ बड़े शॉट का प्रयास, आवश्यकता इस शॉट की थी नहीं, क्या यहाँ बन जाएगा कैच? जी हाँ थोड़े से महंगे साबित हुए तो क्या हुआ, आखिरी गेंद पर विकेट भी दी है टीम को, यहाँ वापसी की जाएगी क्योंकि खेल अब 4 ओवर का समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद पहली 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ है 37 रन 37। अब खेल 12 गेंदों का बचा है और 12 गेंदों में जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता, 10.5 की औसत बिल्कुल साफ। हेड कामली जिन्होंने गेंदबाजी में बेहतरीन गेंदबाजी की थी और इनके पास अच्छी बल्लेबाजी की भी क्षमता है तो मुकाबला यहां रोमांचक होने की भी पूरी संभावना। यह पारी का महत्वपूर्ण 5वां ओवर, 12 गेंदे जीत के लिए 10.5 की औसत से 21 रनों की आवश्यकता, विकेट हाथों में है 6। यह ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण, राज जिन्होंने पिछला ओवर बहुत ही कमाल का किया था लेकर। ये जड़ में डालने का प्रयास, अच्छी नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की गई, यहां पर पहली गेंद पर एक सम्मान दिया, एक के साथ स्ट्राइक रोटेट की गई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 38-38। अब 11 गेंदे 20 रन, बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं नंबर 5 पर हिट। अच्छी गेंद थी बिल्कुल बल्लेबाज के शरीर पर डालने का प्रयास, गेंदबाज ने बल्लेबाज को फॉलो किया। यहां एक के साथ स्ट्राइक रोटेट की जा रही है, दोनों गेंद जहां पर एक एक रन छुड़ाया, आगे बढ़ता हुआ स्कोर टीम का जा पहुंचा है 39 रन 39।
यहाँ अच्छा खासा नियंत्रण, एक टप्पा खाने के बाद देखिए अच्छी फील्डिंग भी की जा रही है। खेल रोमांचक मोड पर, दोनों टीमों के पास संघर्ष जारी है। केवड़ी सुपर किंग्स या डायमंड टाइगर्स, कौन बनेगा इस मुकाबले का चैंपियन? और इसी बीच रन आउट करने का मौका, अंपायर जी नहीं, अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है, यहां पहुंच चुके हैं रिव्यू थर्ड अंपायर के पास। परेश भाई आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ इस प्रतियोगिता में एक रिव्यू मात्र उपलब्ध है रनआउट का। हम हैं लैक्मी 360 ग्राउंड के ऊपर, जहां पर दर्शनम टाइटल स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के, इस प्रतियोगिता के, कामरी प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन। और यहां ये फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि ये रनआउट हेड जैसे बल्लेबाज को किया है, हेड जो बाजी पलट सकते थे। प्रफुल्ल ने क्या कमाल का थ्रो दिया, और विकेट कीपर जिन्होंने क्या कमाल की विकेट कीपिंग की, ट्रिंकल। और फील्डिंग कर रही टीम से निवेदन है कि पहले आपको अंपायर से अंपायर पहले रिव्यू लेंगे, तो सॉफ्ट रिव्यू सॉफ्ट कॉल देना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो अंपायर कॉल जाएगा। और ये देखिए, कहीं ना कहीं हल्की सी हरकत जरूर हुई थी। और इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से 41 हुए, अब 7 गेंद 17 रन। शुरुआत ऐसी हुई थी, पहली ओवर में 15 रन आए थे, पर उसके बाद कहीं ना कहीं जो राज की गेंदबाजी की गई थी इस बार हवा में है। कैच ड्रॉप महत्वपूर्ण मुकाबले में, देखिए ऐसे बल्लेबाज को आपने जीवन दान दिया है जो मैच बदल सकता है। यहाँ खेल आखिरी 6 गेंदों का, और आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 16 रनों की आवश्यकता। 6 गेंद 16 रन, स्ट्राइक पे रहेंगे वो बल्लेबाज जिनको मौका मिला है, चाइनीज कामली जिनके पास काबिलियत है यहाँ से रन बना सकते हैं। यहाँ सलाह मशवरा करेगी टीम, देखना होगा। एक तरफ अभी भी देखा जाए तो चिराग कामली का ओवर बाकी है, विवेक इनका भी बाकी है। चिराग और विवेक दोनों ने 10-10 रन खर्च किए थे और एक एक विकेट हासिल किया था। और पिछला ओवर राज का क्या कमाल का रहा, इन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 2 रन लिए थे और एक विकेट लिया था, और ये ओवर जहां पर भी मात्र 5 रन लिए, तो पूरा श्रेय राज जिन्होंने इस पारी को अपनी गेंदबाजी की मदद से महत्वपूर्ण गेंदबाजी की थी। और यहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारी कप्तान चिराग ने सौंपी है विवेक को। विवेक जो कि अपना घरेलू क्रिकेट वरकुन लक्की की ओर से खेलते हैं। 6 गेंदे बचाने हैं यहाँ पर, कुल मिलाकर 16 रन, 6 गेंदे 16 का समीकरण। चाइनीज कामले फील्डिंग का मुआयना करते हुए एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर टीम केवड़ी सुपर किंग्स, दोनों टीमों में फिलहाल सन्नाटा डगआउट में छाता हुआ है। फुल टॉस बनाकर खेला डीपी एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर, वहां पर फील्डर से हल्की सी गलती हुई, जहां 2 रन चुराए, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 44।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, आखिरी पांच गेंदों का खेल बचा है, आखिरी पांच गेंदों में जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता। हर एक गेंद के साथ खेल रोमांचक स्थिति में आएगा। केवरी सुपर किंग्स के पास या फिर डायमंड टाइगर्स, इस मुकाबले पर कब्जा करेगा कौन? ये लोवर फुलटोस को शामिल किया और जिस तरह से जिस गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है, बल्लेबाज को हल्के से झुके, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अगर यहाँ बल्ले से लगती गेंद तो कहीं ना कहीं तेजी के साथ बाउंड्री मिल सकती थी, पर नियंत्रण बहुत जरूरी, गति है गेंदबाज विवेक के पास। अगर बात की जाए तो पर जिस तरह से फुलटोस गेंद मिली थी, अगर थोड़ी सी खराब रहती तो शायद रन मिल सकते थे। अगली गेंद लेकर ये सटीक लाइन थी, यहाँ ऐसी गलती करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि देखिए ये गलती जहाँ एक के बाद एक और रन लेने का प्रयास करना चाहते थे, एक रन मिला, नए बल्लेबाज की एंट्री होगी। ये बिल्कुल सही लाइन एंड लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है, बल्लेबाज को ऐसा लग रहा है कि बहुत बाहर है गेंद पर, जिस तरह से उन्होंने खेली थी गेंद को, और वाइड के लिए कोई रिव्यू उपलब्ध है नहीं। अगर आपको ये गेंद देखनी है तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, रिव्यू एकमात्र है रनआउट का। नचिकेत तीन गेंदे 13 रन, अगले बल्लेबाज नचिकेत कामली, क्या अपना परिचय यहां दे पाएंगे अपनी टीम को? सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं नचिकेत। ये अच्छी खासी नियंत्रण के साथ पर थोड़ी सी बाहर, इसी के साथ ये वाइड बॉल, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 46। तीन गेंदे 12 रन या फिर तीन चौके, इस पारी को आवश्यकता है रनों की। और एक और वाइड लगातार, दो वाइड किए हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण समय में, क्या इस समय का फायदा उठा पाएगी टीम केवड़ी सुपर किंग्स? दो रन मिले वो भी मुफ्त के। अगली गेंद लेकर लगातार दो वाइड के बाद अगली गेंद, ये तीसरा वाइड रोमांचक स्थिति में आता हुआ, पहले तीन गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी, अब तीन गेंदों में 10 रन रह गए हैं। तीन गेंद 10 रन, विवेक पूर्ण गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है, पिछली तीन गेंद है वाइड। और यहां पर हवा में है बहुत ऊपर, और देखिए कैच ड्रॉप हुआ है, यहां से भी मिलेंगे दो रन, तो 50 रन पूरे हुए। दो गेंदों में जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता, दो गेंदे 8 रन, पहला मुकाबला वो भी रोमांचक हुआ था, डीएफ लायंस वर्सेस चैंपियंस 11, वहां पर प्लेयर ऑफ द मैच आर्यन कामली हुए। अच्छी बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी के बदौलत यहां देखना होगा दूसरा मुकाबला, केवड़ी सुपर किंग्स वर्सेस डायमंड टाइगर। ये सीधे बल्ले से स्मैश, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ टाइमिंग, पर कैच देखिए, नियंत्रण देखिए, क्या लाजवाब, यहां केयूर काबिले तारीफ, कमाल का कैच, लंबी दौड़ लगाई आखिर तक, हार नहीं मानी, और यहां ये मुकाबले पर पूरी तरह से पकड़ बनाई हुई।
इसी बीच और ये कमाल का शॉट और यहाँ भी जाना पड़ेगा। एक के बाद एक केयूर ने दो महत्वपूर्ण कैच लिए, इस मुकाबले पर पूरी तरह से कब्जा किया डायमंड टाइगर्स ने। हार्ड लग रही केवड़ी सुपर किंग्स, दोष इनके नाम जरूर था पर मुकाबला इनके नाम नहीं हुआ। दोनों टीमें जो दोष जीत कर गेंदबाजी पसंद की थी, रन चेस करने की क्षमता दी थी, दोनों टीमों ने यहाँ पर हार का सामना। और इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच, प्लीज कम ऑन स्टेज, कप्तान कुल चिराग कामली। सेकेंड मैच मैन ऑफ द मैच चिराग कामली, प्लीज कम ऑन स्टेज।